लॉकडाउन के बाद 8 जून से धार्मिक स्थलों के खोले जाने की अनुमति के बाद सोमवार को विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर का कपाट भी आमजनों के लिए खुल गया। कपाट खुलने पर सोमवार को सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने भक्ति भाव से गुरु गोरखनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की और जनपद वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सांसद रविकिशन ने बताया कि मंदिर खुलने पर दर्शन कर बहुत खुशी हो रही है। मंदिर खुलने से भगवान और भक्त का मिलन संभव हो पा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने कहा, आज से इतने दिन बाद मंदिर खुला है तो बड़ा आनंद आ रहा है और गोरखपुर की जनता बहुत खुश है, प्रसन्न है। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में एक अच्छा संदेश है क्या कि आज हम अपने भगवानों से मिल पा रहे हैं। तो आज गुरु गोरखनाथ महाराज का आशीर्वाद लिए, पूज्य महाराज जी के भी, मुख्यमंत्री जी के भी सुबह दर्शन हुए, मंदिर के भी दर्शन हुए, एकदम हम आनंदित हो गए। माना जाता है कि बहुत मानता है इस मंदिर के लोग, दूर दूर से दर्शन करें, इसे क्या कहना? ये यही शक्ति, देखिए अभी ऐसा सच कहें तो यहाँ पे गोरखपुर में कोई केस आया नहीं, ये बाहर से जो आए, तो ये गोरखनाथ की तपोभूमि है। ये इतने बड़े तपस्वी थे कि इन्होंने पूरी रक्षा की और मुझे पता है कि आने वाले समय भी पूरा सुरक्षित रहेगा हमारा गोरखपुर। जो बाहर ही आए थे वहीं पर खाली थोड़ा सा उसी से कोरोना थोड़ा ब्रेक हुआ यहाँ पे, नहीं तो गोरखपुर में कोई केस निकला नहीं था जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो ये गोरखनाथ बाबा की तपोभूमि है, बहुत पवित्र स्थान है और यहाँ बहुत सारी शक्तियाँ का वास होता है इनके द्वारा, महादेव साक्षात विराजमान है। तो ऐसी कोई चिंता नहीं होगी और हमारे पूरे गोरखपुर की, पूरे पूर्वांचल की रक्षा करेंगे महादेव गोरखनाथ बाबा। मुलाकात हुआ महाराज से? अभी सवेरे, हम अभी आधा घंटा रहे उनके साथ।